मैं आई हूँ बिहार के एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट दैट रेजोनेट्स विद द एकोस ऑफ इट्स पास्ट एंड हिस्ट्री कम्स अलाइव विद एवरी स्टेप. पटना से 2 घंटे दूर दिस प्लेस हैज होस्टेड सम ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट स्कॉलर्स एंड मंक्स. वेलकम टू नालंदा. Nalanda is a major tourist destination in the heart of Bihar. It's a vibrant district with a blend of history and rural charm where people from diverse backgrounds come together. Yahan ka culture is a beautiful blend of Hinduism, Buddhism and Jainism. Lekin Nalanda jana jata hai for being home to the ancient Nalanda University. One of the world's first residential universities dating back to the 5th century common era. To chaliye, let's start our day from here. Nalanda Vishwavidyalay duniya ka first residential international university tha. Nalanda university mein 10,000 students and 1500 teacher the total. 7 mile lamba aur 3 mile chaura tha kyunki prachin kal mein kilometer nahi hota tha. Hum log nikale hain ki aap log tumhe samajh jaiye 10 kilometers long and 5 kilometers wide. फुल एरिया था. अभी 1 स्क्वायर किलोमीटर में एक्सकेवेशन हुआ है. 10% 90% आपका बाकी है. यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए मुख्यतः 4 गेट होता था. चारों गेट के आगे इंटरनेशनल स्कॉलर अंतर्राष्ट्रीय विद्वान खड़ा थे. जो भी देश विदेश से आते थे उनसे इंटरव्यू टेस्ट होता था. अब जहाँ पे अभी हम लोग आए हैं तो ये मोनास्ट्री नंबर 6 में आए हुए हैं हम लोग. ऐसा 108 मोनास्ट्री होता था. मैंने 10,000 स्टूडेंट्स का लिविंग एंड स्टडी लाइन था आपका. और सेकेंड लाइन बुद्धा टेम्पल पूजा और ध्यान करने का था. 2 लाइन में चलता था. तो वन मोनास्ट्री में 32 रूम 32 कमरे होते थे. लेक्चर स्टेज होता था, क्लासरूम होता था, क्लासरूम के बीच में ड्रिंकिंग वाटर होता था क्योंकि यहाँ बहानेबाजी ना हो. यहीं से पढ़ाई करके लोग विश्व गुरु बन जाते थे. This place in itself is like a living story that spans across centuries. And यहाँ के ruins जो आप देख सकते हो is a UNESCO World Heritage Site. और जैसे मैं यहीं पर चल रही हूँ मुझे ऐसा लगता है कि I am stepping back in time. बिफोर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वॉज इवन फाउंडेड इंडिया की नालंदा यूनिवर्सिटी में 9 मिलियन बुक्स थे एंड इट अट्रैक्टेड 10,000 स्टूडेंट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. As you can see, this is the stupa of Sariputra. और Sariputra गौतम बुद्ध का पहला डिसाइपल था और उनका जन्म और निर्वाण यहीं पे हुआ था. नालंदा विश्वविद्यालय को मुख्यतः 3 राजाओं ने मिलकर बनाए थे. गुप्ता डायनेस्टी, हर्षा डायनेस्टी, पाला डायनेस्टी. लेकिन यहाँ का लाइब्रेरी 9th फ्लोर का था, 9 तल्ला का. यहाँ का लाइब्रेरी का 3 नाम दिया गया था, रत्नादधि, रत्न सागर, रत्न रंजक. 12th सेंचुरी AD में बख्तियार खिलजी ने यहाँ का लाइब्रेरी को बर्निंग करवाया तो यहाँ का लाइब्रेरी 6 मंथ तक रेगुलर बर्निंग होते रह गया था. 6 महीना लगातार जला. 6 महीना क्यों जला? क्योंकि उस जमाने में कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था. उस टाइम कॉपर लेटर था, ताम्रपत्र थे, उसके अंदर भोजपत्र थे. तांबे के वजह से धीरे धीरे 6 महीना आग टिक गया. हमने एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी तो देख ली बट इसकी डार्क हिस्ट्री जानने के बाद कभी नहीं सोचा था नालंदा यूनिवर्सिटी कैन बी बैक इन इट्स ग्लोरी इटसेल्फ. Kudos to the Bihar government who have made significant contributions to the Nalanda University development project. 2011 mein government of Bihar ne around 455 acres ke land gift ki to set up a new world class Nalanda University. So, let's go and have a look at the new Nalanda University. मैं आई हूँ नालंदा के नए यूनिवर्सिटी में विच इज द रिवाइवल ऑफ द ओल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा.
So I'm getting to see one of the students' room. Hello? Hi. Can I come in? What is your name? Yes, my name is Ni. Ni? Yes. And my name is Ellie. Yes. And which country are you from? I come from Vietnam. From Vietnam, yes. Wow. And what do you study over here? I study Buddhist study. Okay, so you follow Buddhism a lot? Yes. And now you want to know, you want to get deeper knowledge? Yes. About it? Yes. And for how long you've studied now? This course about 2 years. 2 years. Yeah. Are you enjoying? Yes. Yeah? So enjoy and satisfying here. It's satisfying, yeah. Here. Yes. You like the environment and how they've kept it. Yes. Yeah, it's very peaceful and nice. Yeah. Nice. Thank you so much for having us here with you and showing your room and your beautiful decoration for Lord Buddha. Is this, you have it on your yes, head? It is. Can I try? Can I wear it? Yes. How do you wear it? Yes, I've always wanted to wear this. Wear this. Okay. Like this? Oh, so nice. Oh, I've always wanted to try this. Kaisa lag raha? Acha hai? Where are you from? I'm originally from Sweden. Sweden? Yes. And I've lived now in India for 10 years. Oh, 10 years? Yes, I love India. This auditorium can seat up to 300 students. But there is one more they are making, and that one will be able to seat up to 2,000 students. Welcome to the dining hall of Nalanda University. This dining hall can take up to 1,000 students. It's giving very happy vibes. Normally, कैसे होता है ना? मतलब जो मुझे याद है, the dining hall in schools, universities में हमेशा एकदम ऐसा dull है. You know, it's like feels like a hospital. It's very beautiful. ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि they have created it so beautifully. It's very positive, colorful. मतलब खुशी से बैठ के खाओगे. अब मैं किचन देखने जा रही हूँ, विच इज़ इंटरेस्टिंग बिकॉज नॉर्मली मतलब लोग किचन को नहीं दिखाना चाहते हैं, राइट? बट यहाँ पे उन लोगों ने कहा कि हाँ, बिंदास आइए. सर? हाँ, ओके, थैंक यू. नमस्ते. इधर क्या बन रहा है? सब्जी. ओ वाओ. दाल बन रहा है? नहीं, ये फिश करी का ग्रेवी है. फिश करी? ओ वाओ. सोच रही हूँ यहीं पे लंच करूँ क्या? यहाँ की यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को और एक ऑप्शन मिलता है, और वो है कि उनके हॉस्टल में खुद का खाना बना सकते हैं. सपोज इफ यू हैव सम एलर्जीज और प्रेफरेंसेस, या आपका रिलीजन का कुछ ऐसी रूल्स होते हैं कि आप कुछ चीज़ें नहीं खा सकते हो, तो आप अपना खुद का खाना उधर बना सकते हो. एंड आई थिंक दैट्स वेरी स्वीट. नालंदा की हर गलियों में कुछ एंशंट हिस्ट्री और लर्निंग्स छिपी हुई है, सो मैं भी निकल गई हूँ उसकी की खोज में. सेम लाइक हाउ हुआन संग केम हियर सेंचुरीज अगो, जस्ट दैट आई डिडंट वॉक थाउजेंड्स ऑफ माइल्स ऑन फुट. Xuan Sang is a Chinese monk who traveled miles just to come here to India to study
all the Buddhist scriptures and teachings. ये memorial के अंदर उनकी पूरी travels की stories लगे हुए हैं. I just realized one thing, that how Indian culture had knit ties with other countries. यहाँ आके पता चलता है कि बुद्धिज्म ने कैसे इंडिया और चाइना के बीच में स्ट्रॉन्ग रिश्ते बनाए. Near the ruins of Nalanda University, there is a temple named the Black Buddha Temple. वहाँ पे ब्लैक बुद्धा की एक बड़ी सी मूर्ति है. In Bhumi Sparta Mudra. This statue was discovered when the Nalanda ruins were destroyed. The statue was partially damaged by the invaders. Buddha ki murti mein log tel chadate hain in hope ki unki sari mushkile dur ho jaye. Kshetriya log inko Telia Baba bhi kehkar pooja karte hain. Actually ye Gautam Buddha ki pratima. लेकिन ये प्रतिमा उस समय की है जिस समय नालंदा शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र पूरे विश्व में था, जब यहाँ 10,000 विद्यार्थी और 1500 शिक्षक अध्ययन अध्यापन का कार्य करते थे. तो चूंकि मूर्ति कला का पढ़ाई नालंदा में ही शुरू हुआ था, तो विद्यार्थी ने ही उस समय ये अपना कला का प्रदर्शन किए हैं. ये जो कमल का फूल देख रहे हैं जिस पे बैठे हुए हैं, ये अभी 7 पर हैं, लेकिन 5 और नीचे है, है ना. लेकिन जब बख्तियार उद्दीन खिलजी नालंदा में आग लगाया, नालंदा को नष्ट किया, उस समय इस मूर्ति को भी चाहा था कि हम लेके चले जाएं, लेकिन उस समय ट्रांसपोर्टिंग व्यवस्था नहीं रहने के कारण हाथी घोड़ा ये सब का सहारा लेकर इनके गले में शीकड़ वगैरह लगाकर हाथी से ही इनको उठाना चाहा. जब उठाते और छोड़ते गए, इसी क्रम में ये 5 कमल का फूल इनका नीचे दबता चला गया. जब नीचे दब गया तो सोचा अब ये नहीं जा सकेंगे, तो इनका सुंदरता को नष्ट कर दिया है. हाथ का अंगुली, पैर का अंगूठा, नाक, आंख, इनका सुंदरता को नष्ट कर दिया. No trip of mine can possibly end without trying some local food. So, let's go and check out Nalanda mein kya khas milta hai for a foodie like me. I've come to Silao to try out the famous mithai Silao ka khaja. To chaliye mere saath. Namaskar. खाजा जी मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा, लीजिए ना, ये आप ही के लिए है. ओह वाओ, थैंक यू. खाइए इसको. मैंने सुना है कि ये बहुत फेमस है. जी जी जी. और यहाँ पे तो बहुत भीड़ है, तो लगता है कि ये दुकान बहुत अपनी क्वालिटी के लिए फेमस है. मैं अच्छा जी, और ऐसा क्यों? आप काक देखेंगे, आप मुझे बताएंगे. खाइए, आप मुझे बताइए. जी हाँ, कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है, और ज़्यादा मीठा भी नहीं है. नहीं, कम चीनी के लिए भी यहाँ फेमस है. हाँ, आप बोल रहे हो कि मतलब जिसका डायबिटीज है जी जी, लेकिन वो खा सकते हैं. खा सकते हैं, यस यस, आराम से. यस यस यस. आप ज़रा बताइए ये दुकान के बारे में. मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं क्या? बस जो जैसे आप आए हैं उसी तरह सब लोग आए हैं मेरा क्वालिटी के लिए. Wow. तो मतलब इतना फेमस है आपका खाजा. जी हाँ. इसको एग्जैक्टली कैसे बनाते हैं? रिफाइंड मैदा, चीनी, देसी घी. हाँ, गुड़ का भी होता है, एक खोआ का नासा होता है, वो अभी ऑटो स्टॉक हो गया है. ओके. ऑनलाइन खाजा भी मंगा सकते हैं आप यहाँ से. अच्छा, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं. मेरा ऐप प्ले स्टोर में ऐप है, श्री कालिसा खाजा, खोलेंगे फुल वर्ल्ड में मिल जाएगा. अमेरिका, दुबई, जहाँ मंगाएंगे वहाँ चले जाएगा. अमेरिका भी जाएगा? हाँ जी हाँ. किट में मुझे लगा खाजा जो है वो अमेरिका तक भी जाएगा. बिहार का लोकल स्नैक है खाजा. मैं 30 किलोमीटर से महीने में
चार बार आता हूँ खास के लेने के लिए काली शौकन से, खाजा बहुत ही पसंद है। मेरा घर यहाँ से 15 किलोमीटर दूर पावापुरी के पास प्यारेपुर हुआ। मैं हाजीपुर पटना वैशाली जिला जहाँ महावीर जी की जन्म हुई थी वहाँ का मैं रहता हूँ, और वहाँ मैं अभी इनके यहाँ से 7-8 किलो खाजा ले जा रहा हूँ, 8 किलो खाजा ले जा रहा हूँ, जिसमें 5 किलो मीठा है और 3 किलो नमकीन है। मीठा खाजा जो है विदाउट शुगर का है, शुगर फ्री खाजा है, और नमकीन खाजा है वो हल्का नमक रहता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, इतना अच्छा होता है कि मतलब मीठा और नमकीन दोनों का डिफरेंट अलग अलग टेस्ट है। एक बार में नमकीन खाजा मैं 8-9 खाता हूँ, और मीठा अगर खाना होता है तो 4-5 खाता हूँ। यहाँ से खाजा हम लोग अपने सिस्टर के शादी में या फिर अपना कोई फंक्शन ओकेजन हुआ या फिर कोई दूर से गेस्ट लोग आते हैं तो उसको पार्सल के में पैक करवा के, कार्टून में पैक करवा के 2 किलो 1 किलो 3 किलो सारे रिश्तेदार को पैक करवा के भेजता हूँ। और वो लोग इतना बड़ाई करते हैं, इतना टेस्टफुल बोलते हैं कि मतलब उस दुकान के खाजा का जोड़ा ही नहीं है। फिलहाल का नाम है खाजा के लेके फेमस ही आया है। मेरा ऐप है प्ले स्टोर में श्री काली सा खाजा के नाम से ऐप बना हुआ है, उसको पूरे इंडिया, पूरे बिहार, पूरे लंदन, अमेरिका जहाँ रहिए वहाँ से मिल जाएगा, घर बैठे मंगा सकते हैं खाजा। सिलाओ कई लोग नहीं यहाँ खाते हैं खाया, खाया हर जगह के लोग खाते हैं, अमेरिका, लंदन, दुबई, आपका दिल्ली, बम्बई, और एक से एक बॉलीवुड लोग भी मंगा मंगा के खाया खाते हैं। आपका राजपाल यादव हो गए हैं, अभिषा बच्चन हो गए हैं, फिर आपका सलमान खान दो भी है एक्टर, सब लोग खाते हैं यहाँ के, अक्षय कुमार, सब सब लोग खाते हैं खाया। ये तो खाया तो बहुत पुराना है, सब लोग जानता ही है, ठीक है, बहुत बिहार गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करता है, हम लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत टेस्टी है, तो मेरे लिए 5 किलो ठीक है, हो गया, ओके।